आगरा महानगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने अपनी पीड़ा रखी। आगरा प्रशासन ट्रांसपोर्ट व्यापार को बेलनगंज फ्रीगन से शिफ्ट कर ग्वालियर रोड इनर रिंग रोड शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। ट्रांसपोर्टरों को सुरक्षा प्रदान की जाए, उनके मन मुताबिक जगह दी जाए, लेबरों के खाने पीने रहने की भी वहां कोई व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि स्मार्ट सिटी के तहत ट्रांसपोर्ट व्यापार को यहां से शिफ्ट कर करने में कोई दिक्कत नहीं। मैं राजेश तिवारी, आगरा महानगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में संस्थापक हूं, और सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करनी चाहिए आगरा प्रशासन को कि ट्रांसपोर्ट नगर या ट्रांसपोर्ट को चेंज करने से पहले जब तक यहाँ का थोक मार्केट जो आपने शहर के अंदर बसाया हुआ है, जब तक इसको सिट नहीं करते, तब तक ट्रांसपोर्टरों को बाहर या इधर उधर ले जाने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। भूतपूर्व में गवर्नमेंट ने पेठा नगरी बसाने के लिए आनंदी विहार में जगह दी, जूता मार्केट बसाने के लिए संजय पैलेस में जगह दी, कपड़ा मार्केट बसाने के लिए संजय पैलेस में जगह दी, लेकिन गवर्नमेंट के प्रावधानों के अनुसार ही उनको जगह दी गई, और हम लोगों के लिए गवर्नमेंट कोई प्रावधान नहीं ला रही है, और वो लोग आज तक वहाँ पर शिफ्ट ही नहीं हुए। गल्ला मार्केट हमारा यहीं का ही पड़ा हुआ है अंदर ही शहर के अंदर, उसको आज तक शिफ्ट नहीं कर पाए, ना ही कपड़ा मार्केट को शिफ्ट कर पाए, ना ही जूता मार्केट को शिफ्ट कर पाए, ना पेठा मार्केट को शिफ्ट कर पाए। केवल ट्रांसपोर्ट कंपनियों को शिफ्ट करने से ये काम गवर्नमेंट का पूर्ण नहीं होगा। नहीं, संजय पैलेस के अंदर तो मेरी समझ में कोई ऐसी बड़ी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, व्यापारी आराम से वहाँ पर काम कर रहा है, और भी बहुत सारे व्यापारी काम कर रहे हैं, तो आज क्या कहते हैं केवल कपड़ा मार्केट और क्या कहते हैं जूता मार्केट को सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी। ट्रांसपोर्ट कंपनियों को रुनकता भेजा जा रहा है, ट्रांसपोर्ट कंपनियों को इनर रिंग रोड के नीचे भेजा जाएगा। लाखों करोड़ों रुपए का माल जो है व्यापारियों का हम लोगों के पास आता है, और हम लोग उस माल को क्या कहते हैं अपने पास रखते हैं, वहां पर हमको क्या सुरक्षा दी जाएगी? आज शहर के अंदर जो है क्या कहते हैं गाड़ियों को आने के लिए नो एंट्री का टाइम रात के 11 बजे कर दिया गया, सवेरे 5 बजे नो एंट्री बंद हो जाती है। हमारा जो मालवाहक वाहन आ रहा है उसको टाइम ही नहीं मिल रहा, और यदि हम दिन में लाते हैं तो सुविधा शुल्क दिए बगैर हम गाड़ियों को अंदर नहीं कर पाते।